हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले महान साहित्य कैसे रचा? वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, महाकाव्य और महान नाटकों की रचना कैसे हुई? क्या उन महाकाव्यों की रचना भी वैसे ही हुई जैसे आजकल के ब्लॉगर हमारे प्राचीन मंदिरों को देखकर कहते हैं कि यहाँ तो लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, या फिर एलियंस ऊपर से उतरकर साहित्य लिखकर चले गए थे, या आज के सबसे आधुनिक लैपटॉप पर वे साहित्य छापे गए थे? सरल सी बात है कि वे साधक थे, गहनता से सोचते विचारते थे, उनका ज्ञान उथला नहीं था, उन्होंने उत्कट ताप और श्रम से साहित्य रचा। मेधा तो विलक्षण थी ही, अंतर्दृष्टि भी तीक्ष्ण थी, जीवन को देखने समझने की स्वस्थ दृष्टि थी। ठीक उसी तरह हमारे कलावंत भी साधक ही थे। एक बार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की असाध्य वीणा कविता पढ़िए, आपको समझ में आएगी यह बात कि साधना क्या है, कैसे कोई स्वयं को सौंप देता है उस कर्म को जिसे हम आज साधक से अलग करके देखते हैं। गाने वाला जब अपनी अवस्था भूल जाता है तब गायक नहीं रह जाता, स्वयं गान हो जाता है। उसी तन्मयता से साहित्य रचे गए और हमारे वे पुराने मंदिर गढ़े गए। जिन मूर्तिकारों ने हमारे मंदिरों को गढ़ा, हजारों लाखों मूर्तियों को रूपाकार दिया, लता पत्र पुष्पों नदियों जीवन की दैनंदिनी को चित्रित किया, वे महान कलाकार थे। उन्होंने शतियों की साधना और परंपरा से वह ज्ञान पाया था। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण के लिए मथुरा से 7,000 मूर्तिकारों को बुलाया गया था। वे मूर्तिकार वर्षों तक मंदिर गढ़ते रहे। हमने अपनी यात्राओं पर इस सत्य को कई बार सामने रखा है कि प्राचीन भारत का समाज आर्थिक रूप से अत्यंत समुन्नत था, इसीलिए वहां कला का श्रेष्ठ निरूपण संभव हो सका। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में दक्ष मूर्तिकारों की भरमार थी, वे ही इन मंदिरों का निर्माण करते रहे। अगर मूर्तिकार विशाल संख्या में न रहे होते तो हजारों हजार मंदिरों का निर्माण भी संभव न होता। अगर किसी मंदिर में सूर्य की किरणें किसी समय विशेष पर गर्भगृह में पड़ती हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं कि उसे एलियन बनाकर चले गए थे। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमें ज्यामिति का श्रेष्ठ ज्ञान था। हम सूर्य की किरण, समय और छाया आदि को बहुत पारदर्शिता से समझते थे। हमें पता था कि कहाँ किस कोण पर गर्भगृह का निर्माण करने पर सूर्य की प्रथम रश्मि सीधे देवता के शीश पर पड़ेगी। अब आप इसे भूत, प्रेत, चमत्कार, एलियन का आगमन और लेजर टेक्नोलॉजी कहें तो यह आपकी इच्छा है। कई बार हमें लगता है कि हमने भ्रमण कर जिन मंदिरों से लोगों को परिचित कराया, उन मंदिरों के महात्म्य में उनकी कोई रुचि नहीं है। उनकी रुचि इस बात में अवश्य है कि मंदिर निर्माता राजपूत थे या गुर्जर या फिर जाट, मंदिर एक रात में बना या भूत उसे बनाकर चले गए, कहां लेजर टेक्नोलॉजी लगी है, कहां मोबाइल फोन का प्रयोग हुआ था। आश्चर्य कैसी ऊटपटांग बातें करने वाले लोग बहुत लोकप्रिय हैं। ध्यान से देखें और विचारें तो यही लगता है कि हम अपने ही पूर्वजों के तप त्याग, उनकी साधना, उनके गहन दृष्टि, कलाबोध और जिजीविषा का अपमान करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे स्मारकों में कोई जादू टोना या चमत्कार हुआ था। भला बिना चमत्कार के ऐसा निर्माण संभव है? संभव था, संभव था तभी बनाया, संभव था तभी रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य रचे गए। आप मेढक की तरह उछलते फिरते हैं, इसलिए आपको पूर्व के कलात्मक निर्माण में कुछ लेजर टेक्नोलॉजी नजर आती है। वह एक गंभीर कलाकर्म था जिसे अत्यंत गंभीर और दक्ष कलावंत पूर्ण करते थे। आप उनकी महत्ता समझिए। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।